नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस प्रश्न में देखिए, इसमें क्या कहा है आपको। इस प्रश्न में कहा है कि बिंदु x बराबर 1 पर दिए गए इस फलन के सांतत्य का परीक्षण करना है आपको। तो किसी भी फलन के सांतत्य का परीक्षण कैसे किया जाता है? आप अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी फलन के बाएं पक्ष की सीमा और उसके दाएं पक्ष की सीमा उसके फलन के मान के बराबर है, मतलब किसी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है, तो फलन कैसा होगा? तो फलन सांतत्य होगा। तो अब हमें जो जांच करनी है वो यही जांच करनी है कि इस फलन की, इस दिए गए फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर है या नहीं। पहले हम इस फलन को समझ लेते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई फलन दिया जाएगा वो इस प्रकार से परिभाषित होगा कि जिस बिंदु पर आपको सांतत्य की जांच करनी है उस बिंदु पर इस फलन के मान अलग होंगे। जैसे x बराबर 1 पर आपको सांतत्य की जांच करनी है, तो x का मान अगर 1 या 1 से छोटा होगा तो फलन का मान तो x होगा, और अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तब आप फलन का मान 3 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फलन को विभाजित किया गया है। हम यहाँ पे शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं बताइए। लिमिट x टेंड्स टू क्या रखेंगे, x टेंड्स टू 1 पर देखना है ना, तो यहाँ पे x टेंड्स टू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और यहाँ पे एफ एक्स। अब समझने वाली बात ये है कि इधर एफ एक्स का मान कौन सा रखेंगे, एफ एक्स बराबर x रखेंगे या एफ एक्स बराबर 3 रखेंगे। बात चल रही है यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो x का मान होगा वो 1 से छोटा होगा ना, 1 से छोटे मान के लिए हम देख रहे हैं। तो x लेस देन 1 के लिए हमारे पास फलन का मान क्या है, यहाँ पे x है। इसका मतलब इधर जो फलन रखा जाएगा वो x रखा जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फलन यूज करेंगे। इसका मान आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x, fx का मान क्या रखा, x रखा। अब यहाँ पे जब आप लिमिट लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। x का मान 1 रख देंगे यहाँ पे, राइट तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, राइट। अब ये बताइए राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फलन लेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम वो फलन लेंगे जिसमें x का मान 1 से ज्यादा होगा, और x का मान 1 से ज्यादा है एफ एक्स बराबर 3 पर। अब देखिए यहाँ पे तो कोई चर राशि आई नहीं रही है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट का मान है वो कितना है, 3 है। यहाँ आपको देखते ही पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आई ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है और राइट हैंड लिमिट 3 आई है। तो फंक्शनल वैल्यू आप निकालो या ना निकालो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो यही डिक्लेयर हो गया ना कि फलन सांतत्य नहीं है। अगर यहाँ पे आप फंक्शनल वैल्यू निकाल भी लेते तो फंक्शनल वैल्यू मतलब फलन का मान कितना आता। यहाँ आपको f 1 पर इसका मान निकालना है, x बराबर 1 का फलन ये है fx बराबर x, तो इसका मान आता है 1। तो आप देख रहे हैं कि इधर फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो इस वजह से आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन सांतत्य नहीं है। हमें यहाँ पे सांतत्य की जांच करनी थी, तो यहीं से डिक्लेयर हो गया कि जो दिया गया फलन है वो सांतत्य नहीं है क्योंकि
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। समझ आ गया आपको? अब ये वाला प्रश्न आप मुझे करके बताइए। अवकलन के बहुत सारे प्रश्न आप कर चुके हैं। इसमें आपको एक फलन दिया है y बराबर 3e की घात 2x प्लस 2e की घात 3x, और आपको सिद्ध करना है d2y by dx square minus 5dy by dx plus 6y बराबर 0। यहां आपको y का दो बार अवकलन करना है और यहां y का एक बार अवकलन करना है, और यहां तो y का ऐसा ही मान रखना है। ये सारे मान निकालने के बाद इस समीकरण में आप इनके मान रख देंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो यहां पे हमारा काम क्या रहेगा? y का अवकलन करना। आप पहले एक बार अवकलन करेंगे, फिर दो बार, और फिर इस समीकरण में उनके मान रखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ हम सबसे पहले dy by dx का मान निकालते हैं। बताइए dy by dx का क्या मान आएगा? इधर पहले इसका अवकलन करेंगे प्लस इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन क्या आएगा? 3 तो ऐसा कैसा आएगा, और e की घात 2x का अवकलन e की घात 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणा में आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे करेंगे, 2 ऐसा कैसा रहेगा, e की घात 3x का अवकलन e की घात 3x रहेगा, और 3x का दोबारा करेंगे तो गुणा में 3 आ जाएगा। राइट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हो आप। 3 2 जा 6 e की पावर 2x प्लस 2 3 जा 6 e की पावर 3x। अब इसका दोबारा अवकलन करना है। किसका? dy by dx का। तो d by dx ऑफ dy by dx आप किसके बराबर लिखेंगे? d2y by dx स्क्वायर के। ये तो करना है, d2y by dx स्क्वायर का मान निकालना है ना, मतलब इसका दोबारा अवकलन करना है। और इसका दोबारा अवकलन करना मतलब इस वाले फलन का अवकलन करेंगे अब हम, इसका प्लस इसका। तो इसका अवकलन क्या आएगा? ये 6 यहाँ पे ऐसा कैसा आएगा, e की घात 2x का अवकलन e की घात 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा, प्लस ये 6 यहाँ पे ऐसा कैसा आएगा, e की घात 3x का अवकलन e की घात 3x, और 3x का दोबारा करेंगे तो यहाँ 3 गुणा में आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 2 जा 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e की पावर 3x। ये किसका मान आया? ये d2y by dx स्क्वायर का मान आया। अब आपको सिद्ध करना है ये, तो मतलब यहाँ पे हम इसके मान रखने शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है d2y by dx स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ dy by dx प्लस 6y। ठीक है, इसको हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हम यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर का मान रखेंगे। d2y by dx स्क्वायर का मान क्या आएगा? 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। ये है d2y by dx स्क्वायर का मान। फिर माइनस 5, और dy by dx का मान है ये कितना, 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, और उसके बाद प्लस 6 y का मान रखेंगे। y का मान कितना है? 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। इतना क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे? e की पावर 2x वाले जितने भी पद है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो e की पावर 2x वाले ये पद है, तो यहाँ पे हम e की पावर 2x वाले पदों को कॉमन लेंगे। इधर आएगा e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो ये आया 12, यहाँ e की पावर 2x कॉमन आ गया तो 5 6 जा 30, ये माइनस का 30 आएगा, और यहाँ e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो 6 3 जा 18, यहाँ पे प्लस का 18 आएगा। इसी तरीके से अब हम e की पावर 3x वाले कॉमन ले सकते हैं। तो e की पावर 3x वाले कॉमन लेके क्या बचेगा? यहाँ बचेगा प्लस 18, यहाँ पे माइनस 5 इंटू 6 माइनस का 30, और यहाँ पे प्लस 6 इंटू प्लस 2 तो ये होगा प्लस का 12। राइट, इधर आप देख रहे हैं प्लस 12 माइनस 30 माइनस 18,
माइनस 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा होगा ये जीरो बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे इसको हल करके भी जीरो आएगा। तो इन दोनों को हल करने के बाद आपको क्या मिला? जीरो। यही तो हमारा राइट हैंड साइड था और यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। तो क्या किया हमने, यहाँ पे एक फलन दिया था, उसका पहले एक कोटि का अवकलन किया, फिर दो कोटि का अवकलन किया, उनके अवकलज के मान यहाँ पे रख दिए और उसको हल कर दिया। हल करके आपको यहाँ पे इसका दायां पक्ष मिल गया, राइट। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में संबंध स्थापित करना है, जिसके लिए ये दिया गया फलन जो है x बराबर 3 पर संतत है। मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है कि संतत है, और अगर कोई फलन संतत है तो इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू कैसी रही होंगी? बराबर रही होंगी, तभी तो वो संतत है। तो यहाँ हम ये लेके चलेंगे कि ये मान इसके बराबर है, और ये लेने के बाद आपको एक संबंध मिलेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। और वो संबंध आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या मान रखेंगे यहाँ पे हम, बताइए? तीन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन के लिए जांच करनी है। तो x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स ऐसा लिखेंगे, और फिर इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस h, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x माइनस h हो जाता है ना, और x का मान क्या है? 3 है, तो मतलब हम इसको 3 माइनस h लिखें, तो यहाँ आएगा एफ 3 माइनस h, क्लियर। अब ये बताइए, यहाँ पे हमें जो ये दो फलन दिए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, हम इनमें से कौन सा फलन लेंगे? पहले वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वो फलन लेंगे जिसका मान 3 से छोटा होगा, और x लेस इक्वल्स टू 3 इस वाले फलन के लिए, इसलिए एफ एक्स का मान हम ए एक्स प्लस 1 लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए एक्स की जगह पर लिखेंगे 3 माइनस एच प्लस 1। अब यहाँ पे इसको लिमिट लगा के हल करना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिला 3a प्लस 1। आप समझ गए ना, यहाँ पे जब h को 0 रख दिया तो 3 माइनस 0 3 हो गया, 3 इंटू ए 3a प्लस 1, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होता है, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। आप समझ गए होंगे कि राइट हैंड लिमिट है तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव लिया था। तो अगला स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स बदल जाता है x प्लस h से, और x की जगह पर क्या रखेंगे? 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h। यहाँ पे आप रखेंगे f 3 प्लस h, और फंक्शन कौन सा लेंगे, पहले वाला या दूसरे वाला? राइट हैंड लिमिट के लिए आप वो वाला फलन लेंगे जिसमें x का मान 3 से ज्यादा होगा। x का मान 3 से ज्यादा इस वाले फलन में है, तो fx का मान हम लेंगे fx बराबर bx प्लस 3। तो इसे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 bx, x की जगह पर क्या रखना है? 3 प्लस h रखना है, 3 प्लस h प्लस 3 बराबर, आप यहाँ पे जब लिमिट लगा के इसको हल करेंगे तो 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, 3 इंटू बी क्या हो जाएगा? 3b प्लस 3। ये आया आपके पास राइट हैंड लिमिट का मान। अब हम निकालते हैं इसके फलन का मान। तो इसकी जो फलन का मान आएगा, फंक्शन वैल्यू, वो किसके बराबर होगी? एफ एक्स बराबर, जहां पे x 3 के बराबर होगा, x 3 के बराबर इन दोनों में से इस वाले में है, तो इसके लिए फलन क्या है? ए एक्स प्लस 1। तो आप लिखेंगे एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1, और x का मान क्या रखना है? 3 रखना है। तो यहाँ से फलन का मान क्या मिलेगा x बराबर 3 पर? 3 ए प्लस 1 मिलेगा।
और आप क्या देख रहे हैं, ये जो 3a+1 है ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये तीनों आपस में बराबर है। आप यहाँ पे कहेंगे चूंकि दिया गया फलन कैसा है, संतत है, चूंकि दिया गया फलन संतत है अतः कोई फलन संतत होता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर होते हैं, इसलिए क्या करेंगे आप, इनको बराबर रख देंगे। तो यहां से आपको 3a+1 बराबर मिलेगा किसके, 3b+3 के। और यहाँ पे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे आपको वो संबंध मिल जाएगा ए और बी में जो इस प्रश्न में मांगा है। इसको आप थोड़ा और हल करके देखिए, इसको हल करके आपको मिलेगा 3a-3b=2। ये -3b हो जाएगा और ये प्लस का 3 और ये प्लस का 1, जब इसके साथ कैलकुलेट करोगे तो आपको प्लस का 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वो संबंध आया है जो इस प्रश्न में पूछा है, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे रोले का प्रमेय लिखने के लिए कहा गया है आपसे और अंतराल -4 से 4 में फलन fx=x2x-8 को इसके लिए सत्यापित करने के लिए कहा गया है। इस फलन के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित करने के लिए भी कहा गया है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि रोले का प्रमेय क्या है। इसमें 3 स्टेटमेंट होती है, उसमें से पहली स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी फलन आपके पास f है और कोई एक अंतराल a से b का है, तो जो f है ये इस अंतराल ए बी पर संतत होना चाहिए और ये फलन f ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो एफ ए का मान होना चाहिए वो एफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन संतुष्ट कर दी जाए, रोले की प्रमेय के ये तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाए, तो कोई एक सी होगा इस अंतराल के बीच में जो संतुष्ट करेगा f'c=0 को, ठीक है। अगर ये तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं किसी फलन के लिए और किसी दिए गए अंतराल में, तो रोले कहते हैं कि तब कोई सी होंगे जो ए और बी के बीच में होंगे और वो f'c=0 को संतुष्ट करेंगे। हम यहाँ पे कोई सी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सी भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सी का मान एक ही होगा। f'c=0 का मतलब उसकी जो प्रवणता का मान होगा वो 0 होगा और वो जो रेखा होगी वो x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। तो हमें जो फलन दिया है यहाँ पे fx, वो कैसा फलन दिया है, वो एक बहुपद फलन है और आप जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन कैसा होता है, प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है अतः पहला पॉइंट तो सिद्ध हो गया कि fx दिए गए अंतराल में, दिया गया अंतराल क्या है -4 से 4, इस पर संतत है। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ये जो फलन है ये अवकलनीय होना चाहिए, तो ये अवकलनीय भी है। आप कहेंगे कि fx ओपन इंटरवल -4 से 2 पर अवकलनीय है। अवकलनीय क्यों है, आप इसका रीजन दे सकते हैं। आप इस दिए गए फलन का अवकलन कीजिए, क्या आएगा इसका अवकलन, f'x जो आएगा वो 2x+2 के बराबर आएगा। और ये जो इसका अवकलन आया, इसका अस्तित्व होगा इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर। तो आप कहेंगे f'x बराबर इसका -4 से 4 के अंतराल में अस्तित्व होगा, ठीक है, इस वजह से ये अवकलनीय भी होगा। अब तीसरा, fa बराबर fb है या नहीं है ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे fa का मान निकालेंगे, a का मान क्या है -4, तो यहाँ पे f-4 का मान निकालेंगे और फिर fb का मान निकालेंगे जिसमें कि b है 2 के बराबर। तो f-4 क्या आएगा, यहाँ पे आप रखिए -4 का स्क्वायर 16 -8 + 8 कितना आया
16. अब हम देखते हैं f2 का मान क्या आएगा. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 8 कितना आया 16. तो आप देख रहे हैं कि f माइनस 4 बराबर आया है f 2 के. तो यहाँ पे ये तीसरा कथन भी सत्य हो जाता है. इसका मतलब रोले के प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं. तो आप कहेंगे f माइनस 4 बराबर f 2, अतः रोले के प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः अतः क्या होगा, यहाँ पे किसी c का अस्तित्व होगा जो इस अंतराल में आएगा, और किस प्रकार से आएगा कि f डैश c बराबर 0 होगा. तो हमने यहाँ पे f डैश x निकाल लिया था 2x प्लस 2. अब हम यहाँ पे f डैश c निकाल सकते हैं, तो इससे आपको f डैश c का मान मिलेगा 2c प्लस 2 बराबर किसके है 0 के. तो यहाँ से c का मान क्या आएगा, माइनस का 1. तो क्या ये माइनस 1 माइनस 4 और 2 के बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है. तो इसका मतलब रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है. ये तो करना था ना हमें. ऐसे ही यहाँ पे कोई प्रश्न आपको माध्यमान प्रमेय के लिए भी दिया जा सकता है. तो कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे रोले की प्रमेय सत्यापित करने के लिए आ सकती है, चाहे माध्यमान प्रमेय की. इस प्रश्न में आपको माध्यमान प्रमेय सत्यापित करने के लिए कहा गया है. दिया गया अंतराल ए बी है, और जहां पे ए का मान है 2 और बी का मान है 4. मतलब एक तरीके से आपको जो अंतराल दिया है वो क्या है, 2 और 4 का अंतराल. और फलन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर. एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर किस प्रकार का फलन है, बहुपद फलन है. और आप जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन कैसा होता है, संतत होता है. और माध्यमान प्रमेय की स्टेटमेंट क्या होती है, पहली स्टेटमेंट तो ये होती है कि जो फलन है वो संतत होना चाहिए. और आप जानते हैं कि यहाँ पे दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, और प्रत्येक बहुपद फलन एक संतत फलन होता है. तो आप कहेंगे दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अंतराल, किस अंतराल में, 2 से 4 में, अंतराल 2 से 4 में संतत है. और क्या ये अवकलनीय भी है, हाँ. ये जो दिया गया फलन है ये अंतराल 2 से 4 में अवकलनीय भी है. अवकलनीय क्यों है, क्योंकि जब आप इसका अवकलन करेंगे तो इस दिए गए अंतराल में उसका अस्तित्व होगा. आप देखेंगे कि एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x. और इस अंतराल में आने वाले प्रत्येक बिंदु के लिए इसका अस्तित्व होगा, अतः ये जो दिया गया फलन है कैसा है, अवकलनीय है. तो माध्यमान प्रमेय ये कहती है कि जब ये दो प्रतिबंध संतुष्ट हो जाए तो यहाँ पे एक एफ डैश सी का अस्तित्व होगा कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बराबर होगा एफ डैश सी के. तो जल्दी से आप मुझे सबसे पहले यहाँ पे एफ डैश सी का मान बताइए. एफ डैश सी मतलब इसके अवकलन करना है पहले, तो इसका अवकलन आएगा 2x. तो एफ डैश सी का मान कितना आ जाएगा, 2c. एफ बी का मान क्या आएगा, बी का मान है 4, मतलब कि यहाँ पे हमें एफ 4 का मान रखना है, और ए का मान है 2, मतलब हमें यहाँ पे एफ 2 का मान रखना है, अपॉन 4 माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे f4 का मान कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 माइनस 2, 2. तो 16 माइनस 4 हो जाएगा 12 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6. तो यहाँ से हमें 2c का मान मिला है 6 के बराबर, तो c का मान कितना हो जाएगा, 3. तो अब आप ये बताइए क्या ये 3 इस दिए गए अंतराल में आ रहा है, अतः माध्यमान प्रमेय सिद्ध होती है. माध्यमान प्रमेय में यही तो होता है, जो दिया गया फलन है वो संतत होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल में, तब यहाँ पे किसी एक सी का अस्तित्व होगा
इस अंतराल में जो कि इसको संतुष्ट करेगा, राइट? तो एग्जाम में रोलेस की प्रमेय और माध्यमान प्रमेय से कोई एक प्रश्न बनता है, इसमें माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय का प्रोसीजर सारा यही रहता है, बस यहाँ पे आपको फलन और उसके अंतराल बदल के दे देंगे और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कभी रोले प्रमेय का आ जाता है और कभी माध्यमान प्रमेय का आ जाता है, तो उनको आपको इसी प्रकार से हल करना है।